नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पीआर। रिया सिन्हा आपके साथ है। बिहार में शारीरिक शिक्षकों की बहाली का मुद्दा फिर से सुलग उठा है। कहा जा रहा है कि हाईकोर्ट के आदेश को भी सरकार नजरअंदाज कर रही है। दरअसल यह नियम लागू किया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही। कहा गया था कि कम से कम एक एक शारीरिक शिक्षक हर स्कूल में होने चाहिए थे। इसको लेकर आदेश भी जारी किया गया था। बिहार सरकार के द्वारा बहाली भी निकाली गई थी, कुछ लोगों का चयन भी हुआ था, लेकिन नियुक्ति पत्र अभी तक उन्हें नहीं मिल सका है। आगे डिटेल में इसकी जानकारी हम आपको बताएं कि 2015 में ही केंद्र सरकार के द्वारा यह आदेश जारी किया गया था, नीति बनाई गई थी। उसके तहत कहा गया था कि सभी विद्यालयों में कम से कम एक एक फिजिकल टीचर यानी कि पीटी टीचर होंगे। आपको बता दें कि नॉर्मल शिक्षकों की बात तो हम नहीं कर रहे हैं फिलहाल पीटी टीचर्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि फिजिकल टीचर्स भी स्कूल्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तमाम जो भी स्पोर्ट्स के कार्यक्रम होते हैं या फिर स्पोर्ट्स से रिलेटेड सब्जेक्ट्स होते हैं उसके लिए। लेकिन अभी तक बिहार सरकार के द्वारा बहाली प्रक्रिया को कम्प्लीट नहीं किया गया है। कितने दिन बीत गए हैं, 2019 में भी एग्जाम्स हुए थे, इसको लेकर बहाली प्रक्रिया कम्प्लीट भी हुई थी, लेकिन अभी तक नियुक्ति पत्र नहीं दिया जा सका है। तो केंद्र सरकार की उस नीति बनने के 6 साल बाद भी बिहार सरकार के द्वारा एक भी शारीरिक शिक्षक की नियुक्ति अभी तक नहीं की गई है। इस दौरान इस मामले में याचिका कोर्ट में दायर की गई थी और जनहित याचिका का कई बार सुनवाई भी हुआ। कोर्ट ने बिहार सरकार को कहा कि जल्दी से जल्दी आप सरकार जो शिक्षक हैं उनकी बहाली कीजिए और फिजिकल टीचर की बहाली करने को के आदेश दिए थे। कोर्ट के आदेश के बावजूद भी किसी न किसी के कारण बिहार सरकार के द्वारा इसे लटका दिया गया है और अभी तक ये चीज़ें लटकी ही पड़ी है। इस दौरान बहाली की प्रक्रिया तो चलती रही लेकिन बहाली पूरी हो नहीं सकी। उधर कोर्ट के जो है वो सुनवाई चलते रहती थी और इधर बहाली प्रक्रिया चलती रहती थी, दलील दी जाती थी। बिहार में जब फिजिकल टीचर की बहाली पर चर्चा शुरू हुई थी तो सरकार ने 8,000 से ज़्यादा शिक्षकों की नियुक्ति की बात कही थी और शुरुआत भी हो गई थी इसको लेकर। लेट लतीफी का मामला हाईकोर्ट में भी गया, तब सरकार ने बहाली की प्रक्रिया फिर से शुरू की। बहाली की प्रक्रिया आगे बढ़ती रही और यह मामला कोर्ट में चलता रहा। दरअसल सरकार की प्रक्रिया इतनी सुस्त रही है कि जनहित याचिका के जरिए सरकार पर नकेल कसने के प्रयास भी होते रहे हैं। हाईकोर्ट को हर सुनवाई पर सरकार की यही दलील सामने आती थी कि बहाली प्रक्रिया चल रही है और आपको बता दें यह अभी तक चल ही रही है। साल 2019 में कोर्ट ने शिक्षा विभाग को तलब किया, जिसके बाद शिक्षा विभाग के तत्कालीन अपर मुख्य सचिव को कोर्ट में आने को कहा गया। अपर मुख्य सचिव ने कोर्ट में अंडरटेकिंग दी, 30 अप्रैल 2020 तक शिक्षकों की बहाली पूरी कर ली जाएगी। इस दौरान फिजिकल टीचर के लिए ली गई परीक्षा का अंतिम परिणाम भी जनवरी 2020 में आ गया। लेकिन सब कुछ होने के बावजूद लगभग 3,500 सफल अभ्यर्थियों को अभी तक नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया है। अब सवाल उठता है कि हाईकोर्ट के आदेश को भी बिहार सरकार अनदेखा क्यों कर रही है, यानी कि यहां कोर्ट के भी कोई वैल्यू नहीं है। आप अपनी तो मर्यादा भूल ही चुके हैं, बहाली तो आपसे हो नहीं रही है, प्रक्रिया तो आप कंप्लीट करवा नहीं रहे हैं। चाहे कोई भी विभाग हम उठा के देख लें, बीएसएससी, बीपीएसएससी और अब ये भी विभाग, ये भी तो फिलहाल टीचर्स की ही बात है। बाकी टीचर्स की नियुक्ति के बारे में भी हमने आपको बताया है। एस्टेट अभ्यर्थियों का भी क्या हाल है यह भी आपको पता है। तो बिहार में कोई भी बहाली प्रक्रिया कंप्लीट नहीं हो पाती है बिना 6, 7, 8, 9, 10 साल पूरे हुए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और भी खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ पीआर के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।